अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आज कल आप लोगों को पता ही है कि रजब भट्ट का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि उनकी फ़ाइट का, तो हम भी इसीलिए बैठे हैं। आज हमने उनकी वीडियो देखनी है, रिएक्शन शूट करना है और देखते हैं कि कौन विन होता है, कौन जीत हार। गेम है, गेम में जीत हार होती है। अब हमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा है, तो कोई बात नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे, क्योंकि गेम में जो है जीत हार होती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और हम तो रजत भट्ट के सपोर्टर हैं और हम रजत भाई के साथ हैं, तो आप किसके सपोर्टर हैं? रजत भट्ट के साथ। हाँ, तो हम रजत भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। रजत भाई, हम आपके वीडियो देखे, हम रजत भाई की जो है रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो आप लोग भी देखिए और चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। चलो करें स्टार्ट। हाँ जी, ये सबसे पहले हेड फ्री लगा लें, जरा हेड फ्री लगा लेते हैं ताकि डबल डबल शो ना हो, क्योंकि हम साथ साथ बोलेंगे भी और फिर उसकी डबल रिकॉर्डिंग होगी। तो प्ले करें वीडियो। ओके, अभी वो सिनेमैटिक शो से ये लग रहा था। अभी तो दोनों ही जोश में लग रहे हैं। अभी तो बोलते हैं मतलब बराबर ही है, फर्स्ट राउंड है, 10-10 मिनट तो तीन का होंगे। क्या लगता है आपका कौन जीतेगा? मैं तो रजत भट्ट को इंशाल्लाह रजत जीतेंगे, लेकिन आगे अपना मालिक है। और रजत भाई कोई क्या कहते हैं इसको, बॉक्सिंग? रजत भाई बॉक्सर नहीं है और उनकी कोई इतनी ट्रेनिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, सबसे बड़ी बात यह है। और इसी वो भी सिर्फ रजत फैमिली के लिए उन्होंने ये जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया, अदरवाइज उन्होंने मना कर दिया। अनस तो मेरे ख्याल से पहले ही ट्रेनिंग, लेकिन अभी तक जो है देखते आगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं नोट कर रही हूँ, वो देखो अनस जो है वो सिर्फ अपने आप को ना अभी कवर कर रहा है, और वो ना रजत भाई को थका रहा है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है और रजत भाई को इस चीज़ का मुझे भी नहीं। और वो देखते हैं वो यहाँ पे पंच किए, लेकिन यहाँ पे करते नहीं। ये अंदर आऊँ अभी
अभी देख रहा हूँ मैं फर्स्ट राउंड में हुई हूँ फर्स्ट राउंड में पता नहीं लगा लेकिन गर्मी बहुत थी उस दिन में बीमार भी बहुत थी फिर वो इतना हुआ था कि बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं थी मतलब हमने तो रात में पहुँच गया निरजय भाई की वजह से मैं देख रही हूँ ना मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ वॉइस का तो खैर होता है लेकिन मैं इसे प्रजा भट्ट की वजह से देख रही हूँ और गर्मी भी मेरे ख्याल से यहाँ पे बस फैन ही लगे होते हैं ऊपर बस और इसी में रहते कुछ कोई नहीं खैर है हार जी हार जी कोई बात नहीं खैर है हार जी भी हो क्योंकि रजत भाई जो है उन्हें चाहिए था कि प्रैक्टिस करते राउंड टू भी होता है एक एक पॉइंट हो गया मतलब अच्छा दोनों का एक ही पॉइंट पहला हुआ था अनुष्का और दूसरा रजत का था अब ये इसके बाद थर्ड बिल्कुल भी मतलब एक बंदे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी उसको उसने इतना बड़ा जो है डिसीजन लिया मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ करूँ मैंने बोला है ना कि यहाँ तक भी रजत भाई ने खेला ना हम उनको हाँ नहीं सीख गए कोई नहीं गेम में हार जीत तो होती लेकिन हम जो है हैट्स ऑफ रजत भाई के आपने इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ रजत फैमिली के लिए लिया और सब ब्लॉगर्स के लिए लिया जो कि फैमिली ब्लॉगर्स हैं और वो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं कमा रहे हैं कोई गलत काम नहीं कर रहे तो आपने बहुत ज़्यादा उन सबको जो है ब्लॉगर्स को टी-शर्ट वाला ये भी रजत का सपोर्टर सल्यूट है वैसे रजत भाई पे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बंदे के साथ एक बिल्कुल भी जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं उसने एक्सेप्ट किया है मैं तो खुद हैरान हूँ कि उन्होंने सिर्फ रजत फैमिली के लिए किया है क्योंकि इतने जो है हाँ जी तो हमारे लिए फिर भी जो है रजत भट्ट विनर है तो कोई नहीं हार जीत इसमें ये मैटर नहीं करती हमारे लिए तो रजत भाई हम हमेशा आपके साथ थे साथ हैं और साथ रहेंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मत दिल छोटा करना और ये गेम है और बिल्कुल जो है प्रोफेशनल बंदे के साथ आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है बहुत बड़ी बात है आप तो जी ये थी रजत भाई की वीडियो
उनकी फाइट वीडियो जो कि इतना टाइम से हम लोगों को वेट था कि 30 जून को इनका वो फाइट होगी, बीच में उन्होंने गिव अप कर, मतलब गिव अप नहीं, उन्होंने कहा था कि मतलब छोड़ो किस चक्करों में, हम तो फैमिली ब्लॉगर हैं, सिंपल से हम अपना काम करें, किन चक्करों में हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो अनस है उन्होंने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया और बार 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 फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा अपनी रजब फैमिली के लिए, सब ब्लॉगर्स के लिए जो कि फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, जिसको गलत लगता है वो ना देखे, सीधी सी सिंपल सी बात है। और रजब भट्ट है इतने बड़े जो है वो यूट्यूबर हैं, वो आपके कहने पर ब्लॉगिंग कभी भी नहीं छोड़ सकते, उनका बिजनेस है और उनसे पूरी दुनिया प्यार करती है, यही कि पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी जो कंट्री में उनको लोग जानना जानते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो हार जीत है ये कोई मसला नहीं है, हमें हमारे लिए उनकी हार में भी हमारे लिए जीत है। तो आपको वैसा फील हो रहा है? दुख तो हो रहा है, लेकिन एक मेरी मतलब कि इतना यकीन नहीं था कि ये हार, बिल्कुल नहीं पता था कि यही विन होगा। हाँ जी, लेकिन मुझे ऐसा अभी भी फील हो रहा है कि रजब भट्ट जो है अभी भी विनर ही है। हाँ जी, लेकिन ये है कि एक छोटी सी सजेशन दूंगी मैं कि रजब भाई थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते, बस आप जो आप खैर पिकनिक पे गए वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आपने अपना दूर करना था, आपको छोड़ते नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है मतलब हाँ जी अपना जोश जो है पूरा दिखाया, उन्होंने पूरी मेहनत की है, अपना पूरा जो है 100% दिया उन्होंने। खैर हार जीत तो एक गेम का हिस्सा है। तो ये था आज की रिएक्शन वीडियो जो कि हमने रजब भट्ट की वीडियो फाइटिंग पे बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। तो हमने सोचे तो हम भी जो है वीडियो आप लोगों के साथ मिल के देखें और अपना थोड़ा जो है हम भी इस पर पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस टाइम मिलेगा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।